नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकफास्ट के लिए हमेशा मारामारी रहती है कि क्या बनाएं। आज मैं आपके लिए एक साउथ इंडियन बहुत ही टेस्टी झटपट ब्रेकफास्ट लेके आया हूं। जी हां, हम फ्लैट अपम्स बनाएंगे और साथ में बनाएंगे एक स्ट्यू, और गेस व्हाट, ये 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। कोई रात को आपको चावल भिगोने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ काम होगा और झटपट ये नाश्ता बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं झटपट अप्पम साथ में वेजिटेबल स्ट्यू। यहां पे मैं एक कप सूजी ले रहा हूं, मोटी पतली कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें सूजी को पेस्ट करना है। साथ में इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच चीनी। अप्पम का टेस्ट हल्का सा मीठा रहता है, इसलिए चीनी डालना जरूरी है। एक कप सूजी में 3/4 कप पानी डाल के इसे अब हम पेस्ट बना लेंगे। सूजी, पानी, नमक, चीनी, इन सब का एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेते हैं। साथ में 3/4 कप कर्ड भी हम डाल के इसे पीस लेंगे। बढ़िया स्मूथ पेस्ट बन गया है ये सूजी, दही, पानी, चीनी, नमक डाल के। 3 बड़े चम्मच कोकोनट मिल्क इसमें मैं डाल रहा हूँ, ये अप्पम के बैटर को बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। 5 मिनट के अंदर झटपट बैटर तैयार। बेसिक सूजी को सिर्फ पीसा है और इसमें फ्रूट सॉल्ट जब डालेंगे जब हम अप्पम बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब झटपट स्ट्यू, मतलब 5 मिनट वाला स्ट्यू कैसे बनाते हैं वो भी देख लीजिए। अब 5 मिनट थोड़े आपको लगेंगे सब्जियाँ काटने के लिए। यहाँ पर मेरे पास कटी हुई फ्रेंच बीन्स हैं, थोड़ा सा डाइस किया हुआ कच्चा आलू है, गाजर है और बाकी थोड़े से मसाले हैं। इनको कुकर में एक साथ ही स्टीम कर देंगे ताकि सब्जियाँ भी गल जाएं, स्वाद भी आ जाए। तो पहले तड़का देते हैं, स्टीम करते हैं और स्ट्यू को भी फिनिश करते हैं। एक कुकर में ही मैं डाल रहा हूँ 1 बड़ा चम्मच कोकोनट ऑयल। स्ट्यू के फ्लेवर्स बहुत ही क्लीन होते हैं, सिंपल होते हैं। इसमें कोकोनट ऑयल गर्म होते ही डालेंगे 2-3 छोटी चक्री फूल यानी कि स्टार अनीस, थोड़ी सी दालचीनी, 2-3 लवंग, कुछ लोग छोटी इलायची डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं, आपके ऊपर है, 8-10 पेपरकॉर्न्स। अब जैसे ही ये मसाले पकेंगे इसमें सबसे पहले डालेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज, साथ ही मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक, एक हरी मिर्च से इस तरह से फाड़ के डालेंगे। अब इसको हल्का सा पकाएंगे और फिर कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ते का फ्लेवर फ्रेश आना चाहिए। 10-12 कड़ी पत्ते डाल के इस मसाले को हम बहुत ही हल्का सा पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। प्याज सिर्फ हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाना चाहिए। अब मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा नमक। स्टू की बेस्ट पार्ट यह है कि इसके अंदर बस यही मसाले जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। तो एक तड़का, सारी सब्जियां इन, स्टीम देंगे और कोकोनट मिल्क से फिनिश करेंगे स्ट्यू तैयार। देखिए बहुत सिंपल था, आपका नाश्ता आधे घंटे के अंदर रेडी हो जाएगा, स्टार्ट टू फिनिश गारंटी। अब जैसे ही प्याज थोड़े से सॉटे हो जाएं उसके अंदर कच्ची सब्जियां हम डाल देंगे। अब यहां पर मैं डाल रहा हूं गाजर, फ्रेंच बीन्स और साथ ही मैं आलू, इसे पानी के साथ ही डाल देंगे क्योंकि थोड़ा पानी तो हमें चाहिए। अब सब्जियों को हल्का सा चला देंगे और ढक्कन बंद करके स्टीम लगा देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। स्ट्यू में एक्चुअली कोकोनट मिल्क की ग्रेवी बनेगी, लेकिन पानी चाहिए सब्जियों को पकाने के लिए, बस उतना ही। सब्जियां 2-3 सीटी में बढ़िया से पक जाएंगी, उन्हें एकदम मैशी नहीं बनाना, थोड़ी सी खड़ी रहनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा स्ट्यू को देखने में भी और खाने में भी। प्रेशर कुकर में 3 सीटी आ चुकी हैं, अब इसे खोला जाए और इसके अंदर डाला जाए कोकोनट मिल्क। बस कोकोनट मिल्क डाल के इसको एक बॉईल देना है क्योंकि बाकी सारा फ्लेवर इसके अंदर बढ़िया से बैठ चुका है। सॉल्ट चेक कर लीजिए, अगर सॉल्ट कम है तो सॉल्ट और डाल सकते हैं। 2-3 मिनट उबालने के बाद ये स्ट्यू बिल्कुल तैयार है। अब अप्पम बनाते हैं। बैटर तैयार है, इसमें डालना है ये इनो यानी कि फ्रूट सॉल्ट और फिर ये फर्मेंट हो जाएगा, फिर अप्पम बनेंगे। चलिए बनाते हैं। फ्रूट सॉल्ट डालते ही बैटर एकदम बढ़िया फर्मेंट हो चुका है, अब झटपट इसके अप्पम बना लिए जाएं। मेरे पास एक नॉनस्टिक तवा है, अगर आपके पास अप्पम की कढ़ाई है तो आप वैसे कढ़ाई वाला भी बना सकते हैं, प्लेन भी बना सकते हैं।
ये रेसिपी इजी और सिंपल तो है ही, हेल्दी बहुत है। इसमें तेल यूज़ ही नहीं करना, नॉनस्टिक पैन है तो बढ़िया से अप्पम झटपट बन जाएंगे। मीडियम हॉट होना चाहिए आपका तवा और उस पर इस तरीके से एक कड़छी से बैटर डालेंगे बिल्कुल बीचों बीच। हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा पतला करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। अब इसे पकने देंगे। अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से इसमें बबूले जो हैं वो निकल आए हैं। अब ये जो बबल्स हैं यहाँ पर लिक्विड आपको दिख रहा है, जैसे ही लिक्विड सूख जाएगा समझ लीजिए कि पिछली साइड हो चुकी है, उसे आप पलट सकते हैं। इंटरनेट पे सूजी के आसान नाश्ते, इसकी लाइन लगी हुई है भैया, उस लाइन में इसे भी ऐड करो क्योंकि ये सही में बहुत आसान है। सूजी, नमक, थोड़ी सी चीनी, हल्का सा पानी और दही मिला के इसका पेस्ट बनाया, इनो डाला, डन। मतलब इसे ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हमने साथ में इसके बढ़िया से वेजिटेबल स्ट्यू बनाया, उसमें डिबो के खाने का मज़ा ही कुछ और है। एक तरफ ये बढ़िया वेज स्ट्यू तैयार, दूसरी तरफ झटपट वाले अप्पम तैयार। अब ये नाश्ते में बनाने हैं, शाम के नाश्ते में बनाने हैं, रात के डिनर में बनाने हैं, संडे लंच में बनाने हैं या संडे ब्रेकफास्ट बनाने हैं, ये चॉइस आप पे छोड़ता हूँ। है बिल्कुल झटपट और टेस्टी, इसे बनाइए और साथ साथ भैया 1 मिलियन के नज़दीक आ रहे हैं, धीरे धीरे आपकी मदद लगेगी, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत सिंपल है, मुफ्त है। नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्राइब बटन दबाए दो। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।